नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एक और जहां जल समस्या से निपटने के लिए भले ही प्रशासन बड़े बड़े प्रयास कर रहा है और जल संरक्षण का अभियान चला रहा है, परंतु कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीण जल संकट से जूझ रहे हैं और अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा ही मामला मंडला जिले के निवास जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरस्वाही के पोषक ग्राम कोहरी में भीषण जल संकट देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में 500 से अधिक की आबादी है, जिसमें 3 टोले कॉलोनी टोला, खुररी टोला, बड़े घर टोला है। वहीं उक्त ग्राम में 6 हैंडपंप हैं, 2 बोर, 4 कुएं हैं। साथ ही कई वर्षों पूर्व नल जल योजना को लेकर पाइपलाइन का विस्तार किया गया था, परंतु सब बंद पड़ी हुई हैं। इस भीषण गर्मी में सब बंद पड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों को 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, तो वहीं मवेशियों को पानी पिलाने के लिए 3 किलोमीटर से लेकर आना पड़ता है। यहाँ पंचायत ने टैंकर तो चालू किया, परंतु 500 आबादी के बीच में देर टैंकर पानी मिलता है, वो उसमें रोज विवाद की स्थिति बनती है, जिसको लेकर अब पंचायत के कर्मी सूखे कुएं में टैंकर से पानी डाल देते हैं। कभी कभी तो पानी बहुत कीचड़ वाला भी होता है, वहीं हमें पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। पानी का टैंकर आते ही पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है, कभी तो विवाद की स्थिति भी बन जाती है, और तो और इतने पानी में भी कुछ नहीं हो पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि समस्या ऐसी वर्ष नहीं बल्कि हर वर्ष ऐसी स्थिति निर्मित होती है। हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, परंतु पानी के लिए उन्हें मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़कर पानी के लिए भेजना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब हमारी समस्या जस की तस बनी है तो क्या मतलब का राजनीति चुनने का, हम सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सर, पानी नहीं मिल रहा है यहाँ, एक टैंकर पानी आता है, 2-2 डब्बा तक बंटवारा नहीं हो रहा है, कई लोग भरते हैं, कई लोग खाली चले जाते हैं। तो टैंकर कहाँ, कुआं में ला के डालता है क्या? कुआं में ला के डालता है, और कुआं में भी नहीं डालने देते, अपने अपने बाहरी से खींच लेते हैं पानी। अधिकारियों से बताओ, उन्हें क्या बोला? वो तो कुछ नहीं बोला था। समस्या का हल नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। कब से बनी है ऐसी स्थिति? 1-2 महीने से हो गया सर, पानी यहाँ कंट्रोल हो गया। पानी का बहुत बड़ा समस्या है, हम कई सालों से परेशान हैं। सरपंच को 10 बार फोन लगाते हैं कि टैंकर बुलवाओ, टैंकर जबरदस्त में तो टैंकर आता है, उसमें भी 1-2 टैंकर आता है, उससे भी आधा टैंकर सरपंच वो सरसवा ही चला जाता है, वो छीन लेते हैं। डेढ़ टैंकर में 600-700 की आबादी है, उसमें नहीं हो पा रहा है। मवेशी हमारे जामुन टोला बांध जाते हैं, वहाँ से पानी पिया के लाते हैं दोपहर में, सुबह शाम। इतना बड़ी समस्या है, कहनी सुधी, और कुछ कहो प्रतिनिधियों को तो ध्यान नहीं देते। हम कई दिनों से परेशान हैं, फ़ोन कर करके सरपंच को कल परसों तक फ़ोन किया है, कल सुबह फ़ोन किया था कि आके यहाँ समस्या देखो, इतना साल से काम कर रहे हो, आज कम से कम 25-30 वर्ष से लगातार सरपंच पद में बने हो, तो जनता का। अब आगे जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ऐसे में आप क्या करेंगे? जब इसमें ये पंचायत चुनाव है, उसमें बहिष्कार करेंगे, चुनाव का वोटिंग नहीं करेंगे, पानी की समस्या आदि नहीं हल नहीं होता है तो इसमें रोक लगाएंगे।